सीईटी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर जो है आर्य कॉलेज के बाहर से इस वक्त हम लाए हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आर्य कॉलेज में अब जो दूसरे चरण का एग्ज़ाम है, हम आपको बता दें कि जो 3 बजे शुरू होने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर जो है अब जो उम्मीदवार हैं, जो आवेदन करता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी एंट्री यहाँ से करवाई जा रही है। व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं और दूसरे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं। और किस तरीके से जो है आवेदनकर्ताओं की यहाँ पर एंट्री हो रही है वो आप देख सकते हैं कि पहले उनका एडमिट कार्ड लिया जा रहा है, एक आइडेंटिटी प्रूफ उनका लिया जा रहा है और कहीं पैरों में, हाथों में किसी प्रकार का उन्होंने कोई जो गहना पहना हो या कुछ और तरह का नाला हो वो कोई भी अलाउड यहाँ पर नहीं है। पेन भी जो है बाहर से अलाउड नहीं है, क्योंकि पेन भी आपको अंदर ही मिलेंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से जो उम्मीदवार अपने घरों से हाथों में कड़े, रबड़ या अन्य तरीके के जो बालों में लगाने के क्लिप होते हैं वो सब यहाँ पर उतरवा लिए गए हैं। कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि सीईटी ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम 3 बजे होने वाला है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर किस तरीके से उम्मीदवारों की एंट्री यहां पर हो रही है। महिलाओं को भी यहां पर तैनात किया गया है, जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी चेकिंग के लिए महिलाओं को यहां पर तैनात किया गया है। देखिए किस तरीके से पहले उनके एडमिट कार्ड चेक किए जाते हैं, उन्होंने बालों में कुछ लगा तो नहीं रखा, हाथों में कुछ पहन तो नहीं रखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जा रही हैं। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एक टीम अलग से तैनात की गई है, जो बायोमेट्रिक यहाँ पर होती है और उसके बाद बच्चा अपने जो सेंटर की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसका रोल नंबर है, वो उस क्लासरूम में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर उसको क्लास के अंदर बैठा दिया जाता है रोल नंबर वाइज। यहाँ हम कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर होता है, इससे जो वहाँ से बच्चा आता है तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है। सर यहाँ पे मतलब जो बच्चे आते हैं उनका हम उनके एडमिट कार्ड पे स्कैन करना होता है QR कोड, फिर देन उनकी पिक्चर क्लिक करनी होती है, उनका थंब करना होता है, देन उनकी एंट्री हो जाती है। क्या कभी अभी तक कुछ ऐसा मिला है गड़बड़ी वाला? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, सारे बच्चों की हो जाती है एंट्री। क्या आइडेंटिटी भी यहाँ पर चेक की जाती है या वो गेट पे ही चेक होती है? गेट पे चेक होती है सर। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक करते हैं? हाँ जी सर। तो देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक होती है और उसके बाद जो है बच्चा रोल नंबर जहाँ उसका आया है, जिस कमरे में उसका नंबर आया है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जो नकल रहित एग्ज़ाम का जो दावा हरियाणा सरकार ने किया है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नकल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर निकलवा दी जाती हैं। पेन भी अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि पेन भी सेंटर के अंदर ही दिया जा रहा है। तमाम तरह की व्यवस्थाएँ हैं, पुलिस की तैनाती है और जिन शिक्षकों की यहाँ पर जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो भी काफ़ी सख्ती से यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब की CTV पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।